अभी हमने देखा कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें कैसे न्यू सब्सटेंस बनता है. नाउ इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग मेक कंपनी अ केमिकल चेंज. सो न्यू प्रोडक्शन के साथ और भी चीजें होती हैं जिसमें जब केमिकल चेंज होता है, जैसे कि द फर्स्ट वन इज रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस. जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है सच एज कोल, वुड और कैंडल, रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, राइट. एंड सिंस द हीट इज प्रोड्यूस इट इज अ केमिकल चेंज. ओके, सिमिलरली सेकेंड चीज है प्रोडक्शन ऑफ साउंड. सो केमिकल चेंज में कभी कभी हमें साउंड भी मिलता है. कैसे, बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज. जब फायरवर्क मींस जैसे यूजली आप इसको देख सकते हो, जब दिवाली पे जो हम क्रैकर्स बर्न करते हैं उसी से अगर आप रिलेट करोगे तो फायरवर्क होता है जो पूरा जो आसमान में जाते हैं ना सारे, दैट इज फायरवर्क. सो बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क अब वो क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है. ऑल्सो इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हीट एज वेल एज गैस. सो साउंड तो होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है. एंड ऑल्सो क्योंकि आप देखते हो बिल्कुल धुआं हो जाता है उससे, तो मींस सम काइंड ऑफ गैस इज ऑल्सो एक्सर्टेड. तो मतलब गैस भी प्रोड्यूस हो रही है. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो अब आते हैं, ऐसे हमारे पास दो चार चीजें और भी हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस. सो समटाइम्स केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस है उसका कलर भी चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हेन कट एंड लेफ्ट इन ओपन एयर स्टार्ट एक्वायरिंग ब्राउन कलर ड्यू टू केमिकल चेंज. कभी कभी आपने देखा होगा अगर हम किसी जो रॉ वेजिटेबल या फ्रूट है उसको कट करके आप रख दोगे तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, अगर आप एक एप्पल को कट करके आपने अगर उसे ओपन एयर में रख दिया तो धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन होने लगेगा. दैट इज बिकॉज वहां पे एक केमिकल चेंज अकर हुआ है विच हैज रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ कलर. सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन चेंज इन कलर. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब कोई लोहे पे जंग लग जाती है उसको हम बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है. सो उसमें भी क्या होता है, हमें चेंज ऑफ कलर देखने को मिलता है. जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है आयरन का. सो दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज एंड वी कैन सी चेंज इन कलर. मूविंग टू द फोर्थ वन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैस. सो एट टाइम्स केमिकल चेंज में गैस भी फॉर्म होती है. व्हेन एंटासिड्स आर मिक्स्ड इन वाटर बबल्स आर फॉर्म्ड इंडिकेटिंग प्रोडक्शन ऑफ गैस. सो अगर आप किसी एंटासिड की टैबलेट को वाटर में मिक्स करोगे तो वो डालते ही आप देखोगे बबल्स आ जाते हैं. जैसे कि आप इनो में देख सकते हो, इनो को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो हमारे पास वो जो वाटर है उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं. दैट इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस एंड इट्स अ केमिकल चेंज. ओके, देयर आर टू मोर थिंग्स, लेट्स कम टू दैट. Now coming to the next one, next है हमारे पास change in smell of the substance. So at times ऐसा होता है जब कोई chemical change होता है तो जो substance है उसकी smell change हो जाती है. When food gets spoiled, it produces foul smell. कभी आपने देखा होगा कोई खाना खराब हो जाता है तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आती है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका जो लंच बॉक्स होता है, अगर आपने किसी दिन खाना नहीं खाया और आप वो घर ले गए, देन जो आपकी जिसमें सब्जी वगैरह आप उसको एक दो दिन तक ओपन नहीं करोगे तो जैसे आप उसको ओपन करोगे बहुत आपको गंदी सी स्मेल आएगी. तो दैट इज बिकॉज वहां पे कुछ केमिकल चेंज हुआ है एंड उसके रिजल्ट में द स्मेल इज प्रोड्यूस. ओके, सिमिलरली रॉटन एग्स प्रोड्यूस अ बैड ऑडियो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सल्फर. अब जो रॉटन एग्स होते हैं, एग्स जो खराब हो जाते हैं उसमें सल्फर प्रोड्यूस हो जाता है जो केमिकल चेंज होता है और उसी की वजह से स्मेल आती है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. बट सम टाइम इट ऑल्सो हैपेंस कि कोई केमिकल चेंज से कुछ सॉलिड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि टू लिक्विड्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट. सो समटाइम्स दो लिक्विड कंबाइन होते हैं और वो एक सॉलिड बनाते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. एग्जाम्पल कैन बी द शेल्स ऑफ एनिमल्स. सो कभी कभी आपने देखो कुछ एनिमल्स के शेल होते हैं, सो वो शेल ये एक प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है. ओके, अगेन दैट शोज दैट देयर इज सम केमिकल चेंज और उस केमिकल चेंज की वजह से एक सॉलिड प्रोड्यूस हुआ है. ओके, सो दीज आर सम सिक्स पॉइंट्स जो हमने लिए हैं जो कंपनी करते हैं केमिकल चेंज इन एडिशन विद द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. ये सब चीजें भी देखने को मिलती है.
Okay, so now we move to the next topic.